इंस्टीट्यूशन का तो बायकॉट इतने ही यहाँ से लाई गई है भाई। अब कहाँ तक और कहाँ तक हम इन चीज़ों को मानेंगे। बैकआउट करने से कुछ नहीं होता और ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, इसे भरपूर तरीके से जीना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। माना हमें ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है, लेकिन हम इस ज़िंदगी के जवाब देंगे। हम अपने वक्त की माँ को क्या जवाब देंगे कि हम अपनी ज़िंदगी खुद तो ऐशो आराम से गुजारते रहे और किसी एक जगह मुसलमान यहूदियों के हाथों मारे जा रहे थे और हम उनके लिए कुछ ना कर सकते थे। कम अज़ कम हमें ये जरूर रहना चाहिए कि हमारे इमाम ज़माना इस वक्त हमसे क्या चाहते हैं। हमें अपनी हिस्से की जिम्मेदारी तो पूरी करनी चाहिए ना। ठीक है, हम उन मुसलमानों की मदद करने नहीं जा सकते, लेकिन हम यहूदियों की बनी हुई चीज़ों को ना खरीद कर उनको कमज़ोर तो कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप सब, क्या ये ठीक नहीं? आप सब भी मेरे साथ इमाम अपने इमाम के सामने कुछ तो शर्मिंदगी से बच सकते हैं। ओह भाई, नमाज पढ़ रहे हैं, वाजिबात अंजाम दे रहे हैं और क्या कर सकते हैं। चलो भाई, मुझे तो नींद आ रही है। खुदा हाफ़िज़।